डॉक्टर मनीष भंडारी पुत्र श्री रुदीश कुमार भंडारी ने अपनी माता का गला वो चाकू से हत्या कर दी थी। जहां एक तरफ नवरात्रों के दौरान लोग माता रानी की पूजा अर्चना करने के लिए व्रत रख माता से मन्नतें मांगते हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर सिटी गुरुग्राम के श्याम वाटिका शिवपुरी में रहने वाले एक इंजीनियरिंग बेटे ने अपनी मां को खंजर घोप कर उनकी जान ले ली। इस खौफनाक हादसे को अंजाम देने वाले माँ के हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये FIR 86 डेटेड 8/4/2022 PS न्यू कॉलोनी में दर्ज हुआ था। आरोपी मनीष भंडारी पुत्र श्री रुदीश कुमार भंडारी ने अपनी माता का गला वो चाकू से हत्या कर दी थी। ये अब आज जो है इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये इसकी माँ जो थी इसको ये रूठा हुआ था और इसको पार्क से बुलाने के लिए गई थी कि बेटा घर चल, और इस पे ये नाराज हो गया। आपस में कोई इनकी कहा सुनी होगी, इसी बाबत जो है अभी तक की। आपको गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़ा दिख रहा ये युवक मनीष भंडारी, जो बेटा एक पास है और श्याम वाटिका शिवपुरी का रहने वाला है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम आपको इसके बारे में ये सब क्यों बता रहे हैं और ये पुलिस की गिरफ्त में क्यों है। तो सुनिए, अब आपको ये भी बता देते हैं, पुलिस गिरफ्त में खड़े इस युवक ने रिश्तों का ही कत्ल नहीं किया, बल्कि अपनी माँ एक के बाद एक कई खंजर घोप कर अपनी सगी माँ की हत्या की। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बेटा ही माँ का कातिल बन गया। तो वहाँ भी आपको बता देते, दरअसल हुआ यूँ कि आरोपी का अपनी पत्नी के साथ आपसी पारिवारिक विवाद चल रहा था, जो घर से अलग रहता था, लेकिन अब वह घर में रहना चाहता था। लेकिन पति पत्नी के आपसी विवाद को देखते हुए माँ ने बेटे से घर पर रहने के लिए मना कर दिया। बस इसी बात को लेकर इस कलयुगी बेटे ने माँ को एक के बाद एक लगातार कई खंजर उसके सीने में घोप दिए, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर घाव अधिक होने के कारण 66 वर्षीय वीणा रानी ने दम तोड़। देखते हैं मेडिकल रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज पुख्ता हमें बता सके कि वो नशे में था या उसका कोई और कोई कारण था। अभी ये आपको मनीष भंडारी पुत्र रणवीर कुमार जो है मकान नंबर 113/9 शिवपुरी गुरुग्राम में रहता है, जिस चीज़ से उसने हत्या की है वो चाकू उससे बरामद किया गया। इस मामले की जानकारी मृतका के पति रणबीर भंडारी ने पुलिस को दी। मामले की संगीनता को देखते हुए सीन ऑफ क्राइम, फिंगरप्रिंट व FSL टीमों ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया व मौके से उस चाकू को भी बरामद किया है, जिससे हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मां के हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।